हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की ये चौथी क्लास है। इससे पहले की क्लासेस अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। विच विल बी द फर्स्ट स्टेशन टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन बुलेट ट्रेन रूट। तो देखिए, बुलेट ट्रेन के रूट पर बनने वाली पहली रेलवे स्टेशन कौन सी होगी? सूरत, अमरेली, आनंद या अहमदाबाद? तो देखिए, आपको मैं बता दूँ, मुंबई से लेकर ये जो अहमदाबाद तक जाएगी ट्रेन, यहाँ के लिए जो है रेलवे लाइन को स्वीकृति मिली हुई है, बट अभी काम ठीक से चल नहीं रहा है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ से देख सकते हो, सूरत पहला स्टेशन होगा जो कि बुलेट ट्रेन का ट्रेन रूट पर स्टेशन जो है इसका कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि 4 स्टेशन और बनाए जाएंगे जो कि 237 किलोमीटर को कवर करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हेन विल गूगल टू स्टार्ट रोलिंग आउट न्यू जीमेल डिज़ाइन फॉर द वर्क स्पेस यूज़र? तो वर्क स्पेस यूज़र के लिए नया जीमेल डिज़ाइन कब बनाना शुरू करेगा? मार्च में, अप्रैल में, फरवरी या सितंबर में? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आप यहां से देख सकते हो, न्यू जीमेल जो वर्क स्पेस है ये फीचरिंग किया जाएगा। यहां से आप देख पाओगे कंपनी जो है जीमेल, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं जीके में कि जीमेल के फाउंडर कौन थे, जीमेल का जो ओरिजिन कंट्री है वो कौन है, ये सब क्वेश्चंस आपको हमेशा से पूछे जा सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को देख लें, सिर्फ गूगल का नहीं, ट्विटर के सीईओ कौन है, ट्विटर को अभी किसने खरीदने की कोशिश करी है, अभी वो डील कंप्लीट नहीं हो पाया है, इन चीज़ों को आप ज़रूर कर लें। तो देखिए, ये फरवरी में किया जाएगा, स्टार्टिंग इन फरवरी, यहाँ से आप देख पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2022 में ये वर्क स्पेस को कम्प्लीट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉमिनेटेड? देखिए, आपको बस ये बताना है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिलने वाला है। तो देखिए, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा या केएल राहुल? तो देखिए, एक नाम जो है वो बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नीरज चोपड़ा। और आप लोगों से मैं क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे ये पूछना चाहूँगा कि नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, वो किस कैटेगरी में जीता था? नीचे कमेंट करके आप सारे लोग उसका जवाब देंगे। देखिए, यहाँ से आप देख पाओगे नीरज चोपड़ा और प्रेस्टीजियस इनको जो है अवार्ड मिला है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, रिसेंटली विच बैंक लॉन्चेज सो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद पतंजलि? तो देखिए, पतंजलि के साथ ब्रांडेड कौन हो रहा है जो कि अब जो है लॉन्च करने वाला है? तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो देखिए, इसमें ये नाम तो नहीं हो सकता है, भारतीय स्टेट बैंक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पीएनबी। जी हाँ, पीएनबी ने जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है पतंजलि के साथ जो है कोलैब किया है। यहाँ से आप उनके जो बालकृष्ण और रामदेव हैं पतंजलि के कर्ता धर्ता, उनकी फ़ोटो देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन अनाउंस विच टाइप ऑफ पासपोर्ट सर्विस इन यूनियन बजट 2022? तो देखिए, के पासपोर्ट, सी पासपोर्ट, टी पासपोर्ट या ई पासपोर्ट? तो देखिए, यहाँ से आपको आंसर दिखेगा, ई पासपोर्ट जो है चीप बेस्ट बनाया जाएगा। और चीप बेस्ट पासवर्ड को क्या कहा जाएगा, इसके बारे में जानने के कोशिश हम लोग करेंगे। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूं। पासपोर्ट के लिए कितने दिन के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेने की बात की गई है? ऐसे क्वेश्चंस को आप खोज खोज के पढ़ लीजिए। भारत में जो पुलिस है वो किस के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार के अंतर्गत? इस तरह के क्वेश्चन जो है हमेशा से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। एग्ज़ाम हमेशा से आते रहते हैं, हमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे आप। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे पहले पूछ ही लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आईपीएल को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी कौन सी है? 2022 आईपीएल जो हो रहा है, इसको स्पॉन्सर करने वाली कंपनी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? मुझे पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपको ये बताना है, अभी जो कृषि मंत्री हैं भारत के, उनका नाम क्या है? नीचे कमेंट करके आप लोग इसका आंसर करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच कंट्री टू बिकम फर्स्ट टीम टू प्ले 1000 ODI, यानी कि
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है, सब 1000 खेलने वाली पहली टीम कौन बन गई है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज? तो यहाँ से आप देखोगे इंडिया, जी हाँ, इंडिया ने सबसे ज़्यादा ओडीआई मैचेस खेले हैं। ओडीआई यानी कि जो वनडे होता है 50-50 ओवर का, वो सबसे ज़्यादा इंडिया ने खेला है। तो ये इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, जो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए देखना चाहते हैं, आर ये जो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की है, वो 100 रुपीज़ में आप ले सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा फर्स्टली। सेकेंडली, आप अगर नोट्स लेकर तैयारी करना चाहते हो, अगर आपने नोट्स नहीं तैयार किया और एग्ज़ाम में आप जा रहे हो, तो 599 में, जी हाँ 599 में आप नोट्स परचेज कर सकते हो। तो चलिए सूचना समाप्त हो गई। ईमेल एड्रेस यहाँ से आप देख लो, yourmithunsinghat@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, रिसेंटली इन हाउ मैनी कंट्रीज ओमिक्रॉन सब वेरियंट डिटेक्टेड। देखिए ओमिक्रॉन का जो आते रहते हैं ये वेरिएशन, तो वेरिएंट जो आते रहते हैं वो किन किन कंट्री में पता है? 45, 83, 28 या 57। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा BA.2 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट नाउ इन 57 कंट्रीज। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है पेन पेपर पे सारे करंट अफेयर्स को नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद डैश टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। देखिए भारत जो है किसके साथ मिसाइल बनाने वाला है? DRDO के साथ, इसरो के साथ, इंडियन सेना के साथ या CRPF के साथ? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप यहां से देख सकते हो, भारत डायनेमिक जो है साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ। ये इंडियन आर्मी के लिए मिसाइल्स बनाएंगे, जिसके लिए आप बजट देख सकते हो 3,132.82 करोड़ जो है अलॉट किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच श्रीलंकन क्रिकेटर विल रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर इंडिया टूर। तो सूरज लकमल, जी हाँ ये यहाँ सुरंगा लकमल, ए इज़ द राइट आंसर। सुरंगा लकमल ने इंटरनेशनल करियर को क्या क्या अलविदा कह दिया, वो रिटायर हो रहे हैं। इंडिया के खिलाफ वो आखिरी बार खेलते हुए आपको दिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वेटरन एक्टर रमेश देव, उनकी हाल में ही जो है रिसेंटली मौत हो गई है, वो 90 साल के थे, 91 साल के, 92 या 93? तो इसका जो राइट आंसर है, आप यहाँ से देख सकते हो इनकी इमेज, और वो 93 ईयर्स में क्या हुए थे, अलविदा कहकर हम लोगों को चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे, रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट ऑर्डर US फोर्सेज टू यूरोप एमिड फियर ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के आशंकाओं के बीच यूरोप को अमेरिकी सैनिकों को आदेश दिया है? तो देखिए कनाडा, रसिया, USA या चाइना? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो बाइडन है US के प्रेसिडेंट, और US ने जो है रसिया को, ये यूक्रेन को देखते हुए अपने आर्मी को कॉल दिया, अपने ट्रूप को क्या किया, कॉल दिया है। आगे बढ़ेंगे, विच कंट्री ऑनर्स PLA गलवान कमांडर एज विंटर ओलंपिक। देखिए ये काम आप यहाँ से देख सकते हो, चाइना, जी हाँ चाइना प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत तेज़ है, और यहाँ से आप ये मिसाइल वगैरह देख सकते हो। इनकी ये पुरानी आदत है, देश जब देश नहीं चलने लगे तो देश राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रवाद का माहौल बना दो। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जब महंगाई बढ़ जाए वगैरह वगैरह बढ़ जाए तो राष्ट्रवाद का जनघुट्टी पिलाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी आ चुकी है, आपको बस यहाँ से चीज़ों को देख लेना है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने पहले पूछ लिया है। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के बीच शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। थैंक यू सो मच।